इसी के साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहले कॉलर हैं राम कुरुक्षेत्र से हमारे साथ, स्वागत है राम आपका। हेलो। हाँ जी बताइए। मेरा पोता है जी 18 वर्ष का। ठीक है जी। उसके नाक से खून चलता है जी, नक्सी आती है रात में सोता है जब। ठीक हाँ, देखिए ये नक्सीर से घबरा जाते हैं सब लोग, जिसके घर में भी किसी पेशेंट को नक्सीर की प्रॉब्लम हो, और इसका इलाज भी बहुत आसान है। देखिए ऐसे बच्चों में अक्सर कैल्शियम की कमी की वजह से नाक की नर्व चटक जाती है, जिससे खून आता है। तो कैल्शियम की कमी फौरन पूरी कर दें उनको, और 2-3 दिन में एक कैल्शियम मल्टीविटामिन्स की टेबलेट या सीरप जो भी वो आसानी से ले सकें वो पिया करें। और एक पत्थर आता है, वो पत्थर जो है पथरीला नहीं होता, उसे कहते हैं संगे जराहत। एक पत्थर जो जराहत के काम आता है, और इसे आसान जबान में टैलकम पत्थर कहते हैं। ये पिसा पिसाया मत लीजिए, सस्ता आता है बहुत, और इसको थोड़ा सा इतना सा ख़रीद लीजिए और घर में इसे पीसेंगे। ये किरकिरा भी नहीं होता, इसे किसी भी चीज़ की तरह खा सकते हैं, दांतों में भी नहीं लगता। तो एक चुटकी जितना आपकी बच्चे की चुटकी में आए, इतना इसका पत्थर का पाउडर रोज़ाना उसको खिला दिया करिए पानी के साथ, आप देखेंगे बहुत जल्दी बच्चा ठीक होना मुमकिन है। तो ये परेशानी जो इनके बच्चे के साथ चल रही है हकीम साहब, ये होती क्यों है? क्या इसे पेट की गर्मी कहें या फिर जो गर्मी चल रही है इसके कारण भी? हाँ नहीं, मोस्टली तो हमने पाया कि कैल्शियम की कमी। ठीक है, तो कैल्शियम मैंने इनको वो भी बता दिया जो बाज़ार में मिलता है, और वो भी बता दिया जो वैद्य लोग इस्तेमाल करते हैं। संगे जरात इस्तेमाल करिए, आपको फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल। नेक्स्ट कॉलर हैं कृष्ण हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी तेज आवाज में बात कीजिए। जी हकीम साहब से बात करनी थी जी, किशन सिंह बोल रहा हूँ। जी साहब बताइए, मैं हाजिर हूँ। जी हकीम साहब ऐसा है, मैं काफी टाइम से फोन मिला रहा हूँ आपके पास, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई है। चलिए। और मैं मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ किशन सिंह, और एक तो मुझे दिक्कत है कि मुझे पेशाब बहुत आता है रात को, हर घंटे में पेशाब जाना पड़ता है। ठीक है। उम्र है मेरी 59 साल। ठीक है। और एक जरा सी मेरी याददाश्त जो है वो कमजोर सी हो रही है। ठीक है ठीक है। देखिए डायबिटीज चेक करा लें जरूर, अगर नहीं है तो बहुत अच्छा है। और एक नुस्खा है जो आपके दोनों रोगों पर काम करता है, और वो आप लिख लीजिए, बगैर लिखे काम मत करिए। देखिए एक दवा आती है जिसे कहते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा एक डंडियाँ होती हैं लंबी लंबी सी, ये आप साबुत ले लीजिए, पिसी मत लीजिए, अश्वगंधा। और अश्वगंधा और गौन मोरिंगा, ये ज़रा मुश्किल से मिलता है, गौन मोरिंगा और अश्वगंधा, और इन दोनों को 100-100 ग्राम खरीद लें तकरीबन, और इनको घर में पाउडर बना लें। दोनों को रॉ मटेरियल ही लेना, और ये चुटकी है ना, इतनी चुटकी में जितना आए, दिन में एक बार या दो बार खाने के पश्चात आप लिया करें, और गर्म पानी पिया करें दिन में 5 बार, तो आपकी दोनों परेशानियां ठीक होना मुमकिन है। बिल्कुल। तो कृष्ण जी देखिए, बड़ी मुश्किल से आपकी कॉल कार्यक्रम में लगी है, तो उम्मीद करेंगे कि विश्वास के साथ आपने इतना कॉल ट्राई किया, और उसी विश्वास के साथ उसी उम्मीद के साथ आप कार्यक्रम में हकीम साहब से बात भी हो गई है। तो नुस्खे ज़रूर अपना लीजिएगा, बहुत बहुत लाभ आपको मिलेगा। बाकी कोई भी बात सुनने से चूक जाते हैं दर्शकों आप लोग, तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 24 आवर्स कभी भी। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम हजारी लाल है, मैं राजस्थान कोटा से बोल रहा हूँ। ठीक है, सवाल करिए अपना। मेरे नाक में से पानी आता है, यानी जुकाम रहता है रात के टाइम। ठीक है, कब से दिक्कत है?
ये दिक्कत तो मेरे को 4-5 साल से है। और कोई परेशानी? नहीं, और कोई परेशानी नहीं है। ठंड के सीजन में रहता है, जैसे धूप निकल जाता है तो जुकाम मर जाता है, रात के टाइम में होता है मेरे को ये प्रॉब्लम। जी ठीक है, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। इस वक्त में जो नज़ले के मरीज और खांसी या छींकों के मरीज़ हैं, कफ के मरीज़ हैं, वो अपना ख़ास ख्याल रखें और इम्यूनिटी की दवा लेना शुरू करें। कोई भी आप जो जानते हों वो ले सकते हैं और जो मैं बताता हूँ वो भी ले सकते हैं। देखिए, उन्नाव, सपिस्तान, अलसी। उन्नाव, सपिस्तान, अलसी 100-100 ग्राम और इसमें 20 से 30 ग्राम पीपले मिलाइए, जो हमारे किचन के गरम मसालों में पाई जाती हैं। इनका पाउडर बना के एक चम्मच सुबह, एक चम्मच रात को गरम पानी से आप लिया करें। और दवा के तौर पर आप ले सकते हैं माजून आर केयर, लेकिन ये नुस्खे आपको 4-5 महीने लगातार खाने चाहिए। किसी किसी को एक ही महीने में फ़ायदा नज़र आ जाता है, वो छोड़ देता है। अगर इसको जड़ से ख़त्म करना है तो 5 महीने तकरीबन आपको ये दवा लेनी चाहिए। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं बैंगलोर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी, नाम बताइए अपना। ज्ञानवंती जी, ज्ञानवंती जी, सवाल करिए। हकीम साहब से बात करनी है। जी आदाब, बताइए क्या सवाल। हाँ नमस्ते। नमस्ते आदाब ज्ञानवंती जी। जी मैं बहुत दिन से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ और कई बार मैं कॉल लगा चुकी हूँ, मुझसे बात नहीं हो पाती। आज बड़ी खुशी हुई मुझे आपसे बात करके। धन्यवाद। मैं जानना चाहती हूँ, मेरा पोता है 10 साल का और शुरू से जब से वो पैदा हुआ तब से उसको कोई भी आयल सूट नहीं किया। कोई भी जब से पैदा हुआ उसका कोई भी आयल लगाने पर उसको दाने निकल जाते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा, आप समझ रही? कोई भी दवाई उनको सूट नहीं कर पा रही है, दाने निकल आते हैं। कोई तेल उसको सूट नहीं करता है। अच्छा, ऑयल, 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 ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, और कुछ भी जरा सा भी लगाने पर भी उसको जगह जगह चकते जैसे उसमें खुजली होने लगती है और तेल से ही वो चिड़ता है। ठीक है, हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे, घरेलू नुस्खे मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जी मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बताता हूँ और वो आप खुद बनाएं और बच्चे को खिलाएं। मुझे उम्मीद है कि आइंदा कॉल आपकी फ़ायदे की आएगी तो हमें बहुत खुशी होगी। देखिए, आप लीजिए 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम अलसी, इसको भून लें और पाउडर बना लें। अब इसमें 50 ग्राम आपको डालना है, इसमें आपको 50 ग्राम डालना है गौंद मोरिंगा और 10 ग्राम डालना है खाने वाला सोडा, जो आपके किचन में खाने वाला सोडा होता है, एक सोडा कपड़े धोने का भी होता है, वो नहीं डालना। तो इसको आप पाउडर बनाएं घर में और ऐसे 2 चुटकी में जितना आए सुबह और 2 चुटकी शाम, ये चुटकी में जितना भी आए दो में सुबह खिलाएं और शाम खिलाएं, ये रोज़ खिला दिया करें। और ये जो मैंने मटेरियल बताया तकरीबन 160 ग्राम, ये ख़त्म होते होते बच्चे का ठीक होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर है सुभाष अंबाला से हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, किन साहब से बात करनी है? जी आदाब, फरमाइए। नमस्कार साहब। आदाब सर, मेरी वाइफ के ना इतों को उम्र है उनकी 60 साल, ठीक है, घुटनों में दर्द रहता है, उसके लिए मैंने आपसे काला गोंद मंगवाया है जी। ठीक है, आप उसके ना रात को सोते हुए कई बार दिन में जागते हुए भी हाथ पांव मुड़ जाते हैं। जी ठीक है, अपने आप हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं जी। कितने दिन से ले रहे हैं ये? अभी 15-20 दिन से है जी। अच्छा, दर्द कम हुआ या ज्यादा हुआ? अभी गोंद से तो मंगवाया या सर आपसे पहुंचा नहीं है? अभी नहीं आया है? नहीं सर। अच्छा, मैं समझा 15 दिन से ले रहे हैं। हाँ देखिए, नर्व की प्रॉब्लम है, आसानी से ठीक होना मुमकिन है, लेकिन ये जो गौंसिया आपने मंगाया है
इससे फ़ायदा किसी किसी को बहुत जल्दी हो जाता है। आप इसे आधा आधा ग्राम शुरू करें सुबह नाश्ते के पश्चात और रात को खाने के बाद, और किसी को बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। फिर भी इनको पूरा ख़त्म करवा देना, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम। इससे ज़्यादा नहीं खा सकते, कम तो खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं खा सकते। ये बहुत तेज़ असर है, और इसको शुरू कीजिए। आपका आइंदा कॉल आएगा कि आपको, आपकी वाइफ को फ़ायदा हो चुका है। कॉलर हैं शालू फरीदाबाद से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, एक्चुअली मैं आपसे ये बोलना चाह रही थी कि मुझे ना काफी टाइम से ना मुझे पीस पीस की बहुत प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, किस चीज की प्रॉब्लम? बहुत ज्यादा एबनॉर्मल रहते हैं, कभी दो दो तीन तीन महीने बाद होते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है बेटा, उम्र बता दो। हाँ जी, एज आपकी? हाँ जी, एज है मेरी 30 इयर्स। ठीक है, देखिए जिन बच्चियों को भी पीरियड्स की परेशानी है उनके लिए एक बड़ा आसान घरेलू नुस्खा है, वो आप खुद बना लें और खुद इस्तेमाल करें। मेरी बात गौर से सुने तो बहुत आसानी होगी। देखिए आपके घर में तो अलसी, वो आपके घर में तो हल्दी इस्तेमाल होती होगी। हल्दी जो आप इस्तेमाल करें तो वो अपने घर में पाउडर बना लें, पहले उसे कूटना पड़ता है फिर पाउडर बनाना पड़ता है। तो घर की पिसी हुई हल्दी 1 चम्मच दूध में मिला दीजिए। आप चाहें तो उसमें शक्कर वक्कर भी मिला सकते हैं मीठा करने के लिए, या अपना फ्लेवर भी मिला दें आपको बुरी लगे तो। तो जैसे आज आप 1 चम्मच हल्दी खाते हैं तो अगले हफ्ते खानी है फिर 1 चम्मच हल्दी। हर हफ्ते 1 चम्मच हल्दी खाइए दूध में मिलाकर, और 1 महीने में 4 बार, और आपको शायद महीना 2 महीने लेनी पड़ेगी, यानी 8 खुराक शायद लेनी पड़े, आपकी ये परेशानी ठीक होना मुमकिन है जी। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर है मुजफ्फरनगर से, विकास हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, तेज आवाज में बात कीजिए। मेरे आवाज बनी गई। अच्छा ठीक है, आवाज की परेशानी है। ठीक है जी, जिन लोगों को भी आवाज़ की परेशानी है और उनके लिए आसान नुस्खा ये है कि 2 या 3 काली मिर्च, 1 चम्मच शहद यानी हनी, मधु जिसे कहते हैं, और 1 चम्मच बादाम का तेल, मीठे बादाम का तेल मिक्स करें रोज़ाना, और ऐसे चाट के खा लें, और गर्म पानी पिएं दिन में 5 बार, तो आपकी आवाज़ अच्छी होना मुमकिन है जी। नेक्स्ट कॉलर है बिहार से हमारे साथ, ईश्वर जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी, आदा जी, हम बिहार से बोलना, सीतामढ़ी जिला से जी। बताइए जी, फरमाइए। नींद की बहुत शिकायत है और बीपी भी है, तो बीपी की दवा तो अंग्रेजी दवा रात को 1 गोली खाते है, और जे नींद नहीं आती है। ठीक है, हाँ देखिए एक अच्छा नुस्खा है जिनको नींद नहीं आती और जिनको बीपी की शिकायत है, वो लोग रात के समय 3 चम्मच 3 टीस्पून 3 चम्मच जैतून का सिरका 1 गिलास पानी में मिलाकर पिया करें। जब सोने का माहौल हो जाए घर में, नींद का माहौल हो जाए, सब लोग अपनी लाइटें बंद करने लगे, उस वक्त पीजिए। पहले दिन से आपको ऐसी नींद आएगी गफलत की कि आप कहेंगे कि क्या मामूली चीज़ बताई, लेकिन कितना गैर मामूली फ़ायदा मुझे हुआ जी। नेक्स्ट कॉलर दिल्ली से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। हेलो, हेलो, हाँ जी नाम बताइए। क्या नाम है? खेदीलाल जी, सवाल करिए अपना। मतलब ये मेरी घरवाली के वो शुगर की और घास घुटने में दर्द होता है जी। शुगर की बीमारी और घुटनों में दर्द? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। उनको शुगर के लिए जो दवा देते हैं देते रहिए, और जैतून का सिरका रात को 3 चम्मच पानी में डाल के पिलाइए, शुगर उनकी कंट्रोल
रहना मुमकिन है। घुटने में अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप ले सकते हैं गोंद स्याह, काला गोंद आता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ा नकली भी मिलता है, होशियारी से लीजिए और आधा आधा ग्राम सुबह शाम दीजिए तो कैसा भी घुटने का दर्द, कमर का दर्द और जोड़ों के दर्द, नर्व का दर्द ठीक होना मुमकिन है।